थाना भी कई बार बुलाया था कागज लेके, ये लोग कागज नहीं देता था तो घर आता, और कागज नहीं देने के बाद घर आके मेरा देवर लोग उठा के या तो मेरा आदमी को उठा के जमीन तरफ लेके जाता था। जमीन मांगे है मेरा आदमी के पास, खुद बोले हैं, मेरा आदमी हमको खुद बताए हैं कि जमीन बड़ा बाबू मांग रहे थे। अच्छा, आप कभी घर आके बात किए थे सर क्या जमीन के लिए? ना, कभी हम कभी नहीं गए थे। बड़ा बाबू आए थे मेरा घर, आए थे मेरा देवर को उठा के खेत तरफ भी लेके गए थे एक बार, जिधर जमीन है, और एक तरफ नहीं दो तीन बार मेरा घर आए, और जमीन का कागज पत्र भी मांग रहे थे, कागज भी मांग रहे थे जमीन। कल भी, कल परसों आए थे जो गिरफ्तारी के बाद, हाँ आए थे वो लोग बयान देने के लिए, तो वो लोग भी बोले कि हम लोग से तो दीपक से अच्छा से वो उठता बैठता है, आना जाना करते हैं, फिर तू पहचान रही है हमको, बोले हम तो यहाँ आए हैं घुमा, फिर वो लोग बोले कि आए हैं लेके गए हैं बैठा उठा सब साथ में है। आदमी फंसता है ना तो दूसरे पर क्या आरोप लगाते, कुछ भी आरोप लगाए ताकि हम निर्दोष है। अगला पक्ष को पावर देंगे, ये भी बोले हैं मेरा आदमी में हमसे झूठ नहीं ना बोलेगा, डिस्कस अपना पत्नी से नहीं करेगा तो किससे करेगा। सेम्बो बारीडी की खबर हमने आपको दिखाई थी, जहां उस गांव के रहने वाले एक ही परिवार के तीन युवाओं को आम सेक में फंसाकर होटवार जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना था कि हमें गुप्त सूचना मिली है कि तीनों भाई जो हैं वो हथियार का काम करते हैं, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, और पिछले रविवार को पुलिस यहां पर आती है रात के 1 बजे और गिरफ्तार करके ले जाती है। पूरी कहानी हमने आपको दिखाई है, लेकिन एक चीज़ थी जो जानने और समझने वाली थी कि परिवार वाले बार बार नगड़ी थाना के जो थाना प्रभारी है अभिषेक कुमार राय, उनका नाम ले रहे थे कि ज़मीन का मामला, और ज़मीन के इस मामले में बड़ा बाबू ने कहा था कि हमें 8 एकड़ 60 डिसमिल में ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए, जिसे दीपक ने मना किया था और इसी के वजह से उन तीनों को फंसाया गया। फिलहाल जब हमने थाना प्रभारी से बातचीत की तो थाना प्रभारी का कहना है कि हम दीपक को इससे गिरफ्तारी के पहले से नहीं जानते थे और ना ही कभी हम उनके घर गए हैं, ये सारी चीज़ें हमने उनसे बातचीत की है, हम आपको दिखाएंगे भी, और परिवार वाले हैं यहाँ पर उनसे भी हम इस बाबत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थाना प्रभारी इस गिरफ्तारी से पहले उनके घर आए थे, ज़मीन के बारे बातचीत किए थे, क्या कभी उस ज़मीन में दीपक को लेकर गए थे, सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। रिकॉर्डिंग पहले सुनिए, उसके बाद हम परिवार वालों से बातचीत करेंगे। सर जोहार। जोहार। जय हिंद सर। जय। पत्रकार सुनीता मुंडा बोल रहे हैं। हाँ सुनीता जी, बोला जाए। कह रहे सर ये बारीडी आए हैं आपका इलाका। जी जी। एक सप्ताह पहले गिरफ्तारी हुई है तीन लोगों की आम से इतनी। हेलो। आम सेक में सर तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बिक्की बड़ाइक, दीपक बड़ाइक। हाँ हुई है। अच्छा सर, परिवार वाले कह रहे हैं कि आपने उनसे जमीन मांगी थी 1.5 महीना पहले। अब तो आदमी तो कुछ, हम पुलिस को कुछ भी आरोप लगा देता है, तो कहीं मर्डर की मर्डर जो करता सही बोलता है कि मर्डर किए हैं। जो जिसका आर्म्स आता है कहीं बोलता है आर्म्स रखे हैं घर में, क्योंकि ये लोग बता रहे जमीन से जुड़ा मामला है, और आपने इनको कहा था कि जमीन मेरे नाम कुछ कर दो, हम तुम्हारे तरफ हम डिग्री कर देंगे। पुलिस के पास इतना पावर कहाँ है जमीन का डिग्री करने का, आप कोई कुछ भी बोल रहे हैं कि ये हमसे ये हमारा गहना मांगेंगे, हमसे 50 लाख रुपया मांगे, आरोप तो लगाना बहुत ईजी चीज हो जाता है सर, इसलिए तो फोन किया ना मैंने। देखिए बात ये है ना, जब आदमी फंसता है ना तो दूसरे पर क्या आरोप लगाते, कुछ भी आरोप लगाए ताकि हम निर्दोष है। नहीं लेकिन पुलिस की तरफ से ये कह रहे हैं कि पुलिस सही से बता नहीं रही है, कभी बता रही बाथरूम के पीछे से मिला है, कभी बता रही है कि जुहाड़े पे मिला है, कभी गाड़ी पे मिला है। अरे पुलिस का आती है, पुलिस सबसे आती करेगी कहाँ आती किए हुए हैं। नहीं सर, एक परफेक्ट इलाका होता है ना कि हमने यहाँ से आर्म्स लिया है। पांच दिन से लोकेशन हम ले रहे थे, इनके साथ किसके साथ संबंध है, किस अपराधी के साथ, वो वहाँ तो सेमो में सब अपराधी का गढ़ बन गया है। जो अभी तक तुरंत नक्सली लोग छूटे हुए हैं, सब सेमो में ही अपना आटा बना के रख रहे हैं। ठीक है सर, हम आए थे गांव ग्रामीणों से भी मैंने बातचीत की, आज अखड़ा में बड़ी मीटिंग थी, तो ग्रामीणों का भी कहना है कि पुलिस ने फंसाया है। यही तो कह रहे हैं ना, आप कोई किसी को मार देगा ना, आदमी बहुत ईजी चीज है पुलिस को लगाना, पुलिस को भी यही दिक्कत हो जाती है ना,
कि हम लोग के लिए दिक्कत हो गया कि हम यदि बता देंगे ना कि आपका ये आपके घर से ये है ले जा रहे हैं, हम कोई कह के लोग बंदी मना लेते हैं। पुलिस के लिए बहुत इसमें तो बाय नेम परिवार वालों ने आपका नाम लिया ना, इसलिए मैंने आपको फोन किया जमीन के मामले में। देखिए अभी ये तो हमको बहुत इजी चीज है कि पुलिस पर आरोप लगा रहा है कि जमीन मांगे हैं, क्या हम जमीन का वर्दी किए, कोई अति है एविडेंस है, खाली कुछ भी बोल देना है पुलिस पैसा मांगा है अति मांगा है, बहुत इजी चीज होता है पुलिस पर आरोप लगाना। किसी को पुलिस से कोई खुश नहीं रहता है, जानती है एक आदमी दुख रहता है एक आदमी अति होता है। दो पार्टी लड़के आया एक पार्टी को जेल भेजा तो कभी पुलिस से खुश रहेगा वो? अभी बताइए, दो भाई लड़के आए एक भाई को जेल भेज देंगे पुलिस से कोई खुश रहेगा? लेकिन देखिए सर, इसमें एक चीज हम समझ पा रहे हैं कि ग्रामीणों का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपराधिक छवि के हैं कि गुंडे हैं, मवाली हैं, सीधे हैं, ग्रामीण बहुत कुछ बता देते हैं। सुनिए अभी की स्थिति में क्या है, लोग नए कहीं जो चीज कर रहा है क्या, जो भी क्रीम क्रिमिनल है ये कभी लिखा है सर पे किसी के कि पहली बार क्राइम कर रहा है, जो पहली बार क्राइम कर रहा है वो क्राइम नहीं किया है? जब पकड़ा जाता है तो पहली बार उसकी क्राइम होती है। अच्छा, आप कभी घर आके बात किए थे सर क्या जमीन के लिए? ना कभी हम कभी उनके घर नहीं गए थे। नहीं, परिवार जो बोले वही हम आपसे पूछ रहे हैं। ओके सर, क्या बोले इन लोगों को, यही होता है ना पुलिस पकड़ ले किसी को तो वही होता है, अब निर्दोष है आती है। ओके सर, थैंक यू। दीदी, रिकॉर्डिंग आप लोगों को भी हमने सुनाई है जो बड़ा बाबू ने कहा है। बड़ा बाबू कह रहे हैं कि आपराधिक छवि के लोग हैं और कभी हम जमीन के मसले में आपके घर नहीं आए हैं, क्या सच्चाई? एक बार हम फिर से जानना चाहेंगे, क्या बड़ा बाबू आपका घर आया था? आए थे बड़ा बाबू, आए थे मेरा घर, आए थे मेरा देवर को उठा के खेत तरफ भी लेके गए थे एक बार, जिधर जमीन है, और एक तरफ ने दो तीन बार मेरा घर आए हैं, और जमीन का कागज पत्र भी मांग रहे थे, कागज भी मांग रहे थे जमीन का। लेकिन अभी फोन में जैसा हमने आपको सुनाया, बड़ा बाबू का कहना है कि हम कभी घर नहीं गए हैं उनके, मेरा कोई उनसे रिश्ता नाता नहीं है, कभी बातचीत भी नहीं हुई है। बात भी होता था उनके घर भी, मेरा घर भी आए हैं, और थाना भी कई बार बुलाया था कागज लेके, ये लोग कागज नहीं देता था तो घर आता था, और कागज नहीं देने के बाद घर आके मेरा देवर लोग उठा के या तो मेरा आदमी को उठा के जमीन तरफ लेके जाता था। जमीन मांगे हैं आपका ये कहना है? हाँ, जमीन मांगे हैं, मेरा आदमी के पास खुद बोले हैं, मेरा आदमी हमको खुद बताए हैं कि जमीन बड़ा बाबू मांग रहे थे, जब नहीं देने का बात हुआ तो बोले कि अगला पक्ष को दे दिया जाएगा, पावर दे देंगे, ये भी बोले हैं। अगला पक्ष को पावर देंगे ये भी बोले हैं, ये मेरा आदमी हमसे झूठ नहीं ना बोलेगा, डिस्कस अपना पत्नी से नहीं करेगा तो किससे करेगा? सारा चीज मेरा पति को जो भी पता था, जो भी थाना वाला बोलता था वो चीज हमको पता है। चलिए, बड़ा बाबू का कहना है कि हम तो नहीं आए, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि आए हैं। फिलहाल दीपक की माँ है, उनसे बातचीत करेंगे। बड़ा बाबू, थाना कर आए रहो, जमीन कर बात करें। आए रहो, और एक बार आलो, और जब बोला लो घर से निकल लो दीपक, उकर बादे जैसे बैठा के वह थाना वाला गाड़ी में ले गए थे, उन्हें पार्क है पार्क रास्ता, तो थे कहाँ ले जा रहे हैं सर बताइए, उस रोज भी नहीं बता रहे हैं वो सब कि यहाँ ले जा रहे हैं कि वहाँ ले जा रहे हैं, उस रोज भी नहीं बताए, तब काहे नहीं बता रहे हैं सर? अरे यहाँ लड़का सब था, वो सब भी पूछ रहे हैं लेकिन किसी को नहीं बताया। उसके बाद पार्क बोला कि क्या, तो थी ये सब पार्क घूमने जा रहा है, उधरे जा रहे हैं, तो हम लोग छोड़ दिए। तब अथी सब गई और देख रही है तो पार्क में भी नहीं घुसल है, तब इधर हम लोग गए पार्क। नहीं, वो लोग किधर था? उधर हम लोग का जमीन तरफ था। अच्छा, तब ले हम लोग उधर जा रहे हैं हम लोग का खेत तरफ, तो उधर अथी गाड़ी भी है वहीं पर खड़ा, और अथी वो सब भी थाना वाला सब भी है। चलिए, बड़ा बाबू की बात पर ही हम यहाँ पे परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बोले हैं हमने इनको बताया है कि बड़ा बाबू ये कह रहे हैं, और उनके सवाल जवाब हम इनसे जानना चाह रहे हैं। आपको कभी डिस्कस किए थे क्या दीपक जमीन के बारे में कि बड़ा बाबू इस तरीके से जमीन मांग रहे हैं? लेकिन बड़ा बाबू कह रहे हैं कि हम तो गए ही नहीं है उनके घर। वो नहीं आए हैं तो, और उसके साथ वो चमचा लोग है ना, उसके वो लोग आए हैं, कल परसों आए थे जो गिरफ्तारी के बाद। हाँ, आए थे वो लोग बयान लेने के लिए, तो वो लोग भी बोले कि हम लोग से तो दीपक से अच्छा से वो उठता बैठता है, आना जाना करते हैं, फिर तुम पहचान रही है हमको, बोले हम तो यहाँ आए हैं घुमा, फिर
उ लोग बोले कि आए हैं, लेके गए हैं, बैठा उठा सब साथ में है। कहाँ लेके गए? उ लोग गए थे, आए थे उसको दीपक को लेके गाड़ी से। हम लोग दोनों ड्यूटी जा रहे थे, ड्यूटी से हमको पता चला कि दीपक को थाना वाला लेके जा रहे, तो फिर हम आधा रास्ता से ड्यूटी से आके फिर उन लोग का पीछा किए। पहले गए वाटर पार्क, वहाँ नहीं घुसा, वहाँ पूछे कि इधर लाया है थाना वाला गाड़ी आया है, तो नहीं बोल के बोले। फिर जिधर हम लोग का जमीन हो रहा है ना, केस चल रहा है, वो जमीन में गए तो वहाँ गए, वहाँ था उन लोग पुलिस लोग, और बोले कि हम लोग बोले, उन लोग बोला कि पुलिस लोग जब हम लोग गए ना सामने, तो उन लोग बोले कि तुम लोग क्या सोच रही थी कि हम लोग लेके जा रहे हैं दीपक को, तो हम लोग बोले हाँ सर हम लोग सोचे लेके गए था ना, तो उन लोग बोले नहीं हम लोग ऐसे देखने के लिए इधर घुमाने के लिए लेके जमीन घुमाने हैं जी। चलिए इस बात की तो हम ये बात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं परिवार वालों से बातचीत करने के बाद, क्योंकि परिवार वाले या पुलिस में कोई तो झूठ बोल रहा है। और पुलिस का ये कहना है कि हम गिरफ्तारी से पहले दीपक को नहीं जानते थे और ना ही उसके ज़मीन पर गए हैं, और परिवार वालों का कहना है कि बाकायदा वे आए हैं, उनकी ज़मीन पर गए हैं, खुद उनकी पत्नी, दीपक की पत्नी ये कह रही है, और थाना यानी कि अभिषेक कुमार राय ये कह रहे हैं कि इससे पहले दीपक को नहीं जानते थे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मामला इस गिरफ्तारी के पीछे छिपा हुआ है। ज़मीन का 8 एकड़ 60 डिसमिल का मामला है, और उस 8 एकड़ में बड़ा बाबू को यहाँ से ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए था, जो टुकड़ा नहीं मिला, जिसके एवज में आम सेक में फंसा कर आज तीनों भाइयों को होटवार जेल भेज दिया गया है। फिलहाल परत दर परत हम सारी सच्चाई आप पर आप तक निकाल के हम लाएंगे, लेकिन इतनी चीज़ हम आप तक अभी दिखा पा रहे हैं कि बड़ा बाबू कहीं ना कहीं झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और झूठ के जाल में ऐसा ना हो कि एक दिन वही फंस जाए। हमें लगता है जो उच्च अरवरीय अधिकारी है उनको इस मसले में पड़ने की ज़रूरत है और जांच करके सच्चाई को बाहर निकालने की जरूरत है। फिलहाल बड़े अधिकारी क्या सच निकाल पाएंगे, लेकिन हम जितना सच यहाँ से निकाल पा रहे हैं आप तक ज़रूर पहुँचा रहे हैं। फिलहाल हम हैं इस गांव में, कोशिश करेंगे कि हमारे लोगों से इस बाबत बातचीत करें, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।